पाजी ट्रेलर आप देखें हिंदी मीडियम का, तो उसमें अपनी वाइफ को मिट्टू कह के बुलाते हैं इरफान भाई, तो इनकी वाइफ कहती है कि मुझे मिट्टू नहीं कुछ और नाम से बुलाओ। अच्छा यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त लोग बैठे हैं, आप अपनी वाइफ को किस किस नाम से बुलाते हैं? आई मीन अगर बुलाना हो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव नाम, कोई है मेरे दोस्त जो अपने? हाँ जी पगली कह के बुलाता। हाँ जी पगली, पगली है इधर है। क्या बात है, अरे इतनी ब्यूटीफुल आपकी वाइफ पगली क्यों? मतलब मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ ना इसलिए ये ऐसे बोलते हैं। देख कितना सुंदर बोली एक्चुअली। और ये आपको क्या बोलती है? मतलब उसके अंदर लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू बोलती हूँ पगलेट। यार आगरा से? आगरा से। बहुत ही अच्छा परिवार है यार। अच्छा ये अपनी बीवी को पगली बोलते हैं? पगली वर्ड तो सुना सुना। पगलेट मतलब क्या? पागल का ऑमलेट। पगलेट बस ये प्यार में बुलाते हैं ना? प्यार में। और गुस्से में क्या बुलाते हैं? गुस्सा करते ही नहीं। नहीं आता तो होगा, हिम्मत नहीं होती होगी। किसी को नहीं करके देख लो गुस्सा करते। पगलेट तुम्हारा ऑमलेट देखना बनाएगी ना? जो स्वीडो फिर करना जो आपने किया था। करियो करियो भाग रहा हो। शर्मा क्यों रहे हैं? आपकी ओरिजिनल वाइफ है ना? अच्छा ऐसे मजाक कर रहा। कहाँ से आए ब्रदर आप? सूरत गुजरात। सूरत से? आप भी सूरत से हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 महीने। तब भी एक दूसरे से सुन लेते हो? 5 महीने हो ना अभी। 5 साल हो जाए ना अभी देखना पगली बोल के क्या। So sweet. Thank you, brother. Love you too. Thank you so much for coming. और मेरे कोई दोस्त? नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। मैं अपनी बीबी को बेबी नाम से बुलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मेरे बचपन का नाम मुन्ना नाम से बुलाए। मुन्ना तो अब कब का गुन्ना हो गया मुन्ना का। देख मेरे भान भाई आपको सूझ नहीं रहा था नाम। हाँ। यहाँ भी देखो पगलू पगलेट बेबी। मैंने ये पहला मुन्ना देखा जिसके सर पे चांद बना हुआ। तो मुन्ना जी आप मतलब आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम विभूति विभाकर है सर। कितने साल हुए सर शादी को आपकी को? 10 साल हो गए सर। 10 साल हो गए जी। तो वो मुन्ना बुलाना शुरू किया कि नहीं उन्होंने अभी? नहीं अभी तक तो नहीं बुलाती है सर। तो अपना कोई मुन्ना है अभी हुआ? जी हाँ है सर। अच्छा तो फिर इसीलिए नहीं बुलाती ना, अपने मुन्ने हो गए तो बोले मुन्ने के पापा को मुन्ना क्यों बुलाओ। मुन्ने के पापा। ये बड़ा पहले ट्रिक होता था बाजी पहले जमाने में। आजकल तो भाई ऐसा हो गया ना कि नाम लेके बुलाती हैं बीवियां। अभी भी कई गाँव में अभी नहीं, अभी भी एजी ओजी करके टाइम निकाल देती थी। और बच्चे पैदा करने में तो 4G की स्पीड में जब बच्चे हो जाते मतलब तो शायद इसीलिए बच्चे जल्दी पैदा हो जाते थे पहले कि बच्चों के नाम से बुलाएं फिर कि टीटू के पापा चीटू के पापा जो भी व्हाटएवर। बहुत अच्छा आप अपनी वाइफ को बेबी बुलाते हैं 10 साल बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद शो में आने के लिए। अब वक्त है फिल्म के और कुछ कलाकारों को यहाँ पे इन्वाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मैं बहुत ही बेहतरीन एक्टर दीपक डोबरियाल और दिशिता सहगल को। जोरदार तालियां उनके लिए। हाउ आर यू बेटा, कैसी हो आप? गुड गुड। हेलो पिंकी, हाउ आर यू? क्या हाल चाल? पाजी दीपक बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया और बहुत ही मजेदार काम किया है। दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दिशिता आपने कितनी फिल्में कर ली अब तक? 4 एड्स कितने किए हैं आपने? अनगिनत। इनको तो ये भी नहीं कह सकते बड़े होकर क्या बनोगे, अभी तो लाख रुपए कमा रहे हैं। अच्छा दिशिता ने बहुत सारी फिल्में की है, इस फिल्म में जैसे इरफान भाई इनके पापा बने, एक फिल्म में अक्षय सर भी आपके पापा बने ना, एक फिल्म में शाहरुख खान भी। शाहरुख खान नहीं बनेगा भी? उनके साथ एक्ट की थी, उनकी फिल्म में काम किया था। उनकी फिल्म में काम किया था? कौन सी वाली में? डियर जिंदगी में। तो आपके पापा नहीं बने थे? नहीं। जैसे अभी इरफान सर आपके पापा हैं, अक्षय कुमार आपके पापा हैं, तो जब आप घर जाती हैं तो अपने पापा की बात सुनती हैं कि नहीं? तो सारे सुपरस्टार आपके पापा हैं। सुनते हो? आप स्कूल भी जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। सो स्वीट, आप बहुत ही प्यारा काम किया आपने फिल्म में। दीपक भाई आपकी फिल्म का नाम है हिंदी मीडियम जी। फिल्म इसी के ऊपर है कि क्यों इंग्लिश जरूरी होनी चाहिए, मतलब हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। तो मैं पहले तो बच्ची शुरू करता हूँ, बच्चे को पता नहीं अभी हमारे स्कूल में तो सिखाते थे आपको का खा गा आता है बेटा? हाँ। सुनाओ। का खा गा गा अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ड ण
मेरे को भी पहले दो ही आते थे, मैंने बाकी तो ऐसे ही. एक्चुअली इरफान भाई, हम लोग जब से स्कूल से निकले को रिपीट नहीं किया होगा. आपको आता काका का? मुझे आता है ना थोड़ा बहुत. आता है यहाँ पे? आता है किसी को काका का पूरा? आपको आता है? देखो ये तो हैं सुपरस्टार्स बैठे हुए, इनको तो हम कुछ कह नहीं सकते. अगर आपका काका का गलत हुआ सर, एक्चुअली बाराखड़ी आते सर. बाराखड़ी क्या सर? आ आ ए ए वो तो गाना है, इसलिए याद कर लिया. औ औ अंका, ये 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 इधर ब्लैक एंड व्हाइट मोहतरमा. आपको काका का आता है? क्या बात कर रही हैं आप, तो एबीसी वाली लग रही हैं. एबीसीडी भी आती है सर? नहीं वो तो आती है, मेरे को भी याद है. काका का सुनाओ. क ख ग ग ड च छ झ झ झ त थ द ध न प फ ब ब म त थ स त थ द ध न प फ ब ब म य र ल व श श स ह शत्रुघ्न. सर अब आपका टर्न है. सेम टू यू. एक्चुअली मुझे नहीं आता था, मैंने भूल गया था एक्चुअली. पर अच्छी बात है आपने, और बड़ा अच्छा लगा. आप इतना मेकअप वगैरह अच्छा किया हुआ और उसके बावजूद आपको इतना अच्छा काका गाता है. क्या नाम है आपका सेनेटर? निकिता. निकिता अच्छा लगा आपको काका गाता है, तो मैं ऐसे हाथ खड़ा किया कॉन्फिडेंस में. चलिए शुक्रिया. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.